गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ में चैप्टर नंबर 17 कराऊंगी। तो आप अपनी मैथ की बुक ओपन करिए और उसमें चैप्टर नंबर 17 निकाल लिए। ओके, ये है आपका पेज नंबर 44। अब पेज नंबर 44 और 45 पर क्या दिया हुआ है? विदाउट कैरी वाले एडिशन दिए हुए हैं, तो आज हम इसको करेंगे। वैसे तो मैं एडिशन आपको सिखा चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, लेकिन ये जो एडिशन दिए हुए हैं डबल डिजिट में दिए हुए हैं, तो डबल डिजिट में हम सबसे पहले किसको ऐड करते हैं और किसको नहीं करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ओके, फॉर्मेट हमारा वही रहेगा जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। ओके, जो मैं आपको इसमें फिर से बताऊंगी। तो देखिए, ये क्या लिखा है 2 और ये क्या लिखा है 5, मतलब डबल डिजिट है। तो अब इन दोनों हम सबसे पहले ऐड किसको करेंगे? इस वाले डिजिट से करते हैं या इस वाले डिजिट से? इससे करेंगे। क्यों? क्योंकि वंस कौन सा है? वंस हमारा जहाँ होता है वहीं से हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो वंस हमारा ये है, तो वंस हम तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे ऐड करना। ओके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 को और 4 को। तो इन दोनों में बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ग्रेटर नंबर 5। तो 5 को हम मन में रखेंगे। ओके, और जो स्मॉल नंबर है स्मॉलर, उसे हम अपने फिंगर पे काउंट करेंगे। तो 4 को काउंट करो फिंगर पर और 5 को मन में रखो। 1, 2, 3, 4। ओके, अब जो हमने मन में रखा था नंबर, तो वहाँ से उसके बाद से काउंट करो, यहाँ से बैक करो। यहाँ से 5 मन में रखा था, 5 के बाद काउंटिंग बोलो, 6, 7, 8, 9। तो कितना आया बोलो? 9। तो 5 + 4 कितना हुआ? 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। ओके, 9 लिखेंगे। अब ये क्या है? 2। अब 2 के नीचे क्या है? कोई नंबर है? नहीं, कोई नंबर नहीं है ना, तो इसको हम एज इट इज उतार देंगे। तो आंसर हमारा क्या निकल कर आया? 29। अब इसी तरह से हम इसको करेंगे, इसको करो, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले किसको ऐड करेंगे? पहले मुझे ये बताओ, वंस वाले डिजिट को या टेंस वाले डिजिट को? बोलो, वंस वाले डिजिट को। तो वंस वाले डिजिट कौन है? 5। ओके, और ऊपर लिखा भी है O फॉर वंस, T फॉर टेंस। तो चलिए काउंट करो 5 को 2 को, कितना होता है बोलो? तो उसके लिए हम करेंगे ग्रेटर नंबर को मन में। तो ग्रेटर कौन है? 5 है 2, 5। तो 5 को मन में रखो और स्मॉलर जो नंबर है उसे फिंगर पे काउंट करो। तो 2 को फिंगर पे काउंट करेंगे, 1, 2। अब मन में जो नंबर रखा था उसके बाद काउंटिंग बोलो, वहाँ यहाँ से ही बोलना। ओके, तो 5 को मन में रखा था, अब 6 से बोलेंगे, 6, 7। तो 5 + 2 कितना हुआ? 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। ओके, और अब ये तो ऐड हो गया, अभी क्या है? 7। तो इसके नीचे कोई नंबर है? नहीं, तो इसको हम एज इट इज़ उतार देंगे। अब आपको ये समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, अब आपने 44 पेज नंबर तो समझ लिया कि आपको किस तरह से ऐड करना है। तो इसी तरह से आपको ये फुल पेज करना है कंप्लीट। तो चलिए मैं 45 पेज नंबर पे समझा देती हूँ कि आपको वो वाले एडिशन किस तरह से करनी है। ओके, तो निकालो जल्दी से। अब ये है पेज नंबर 45। अब देखो, इसमें भी ऐड ही दिए हुए हैं, बट इसमें क्या दिया हुआ है? वंस डिजिट पर दी हुई है 2 डिजिट, जो ये वंस हमारा ये और ये भी वंस है जो हमने ऐड करना सीख लिया था। लेकिन यहाँ टेंस पर क्या दिया है? 4 के नीचे भी डिजिट दी हुई है। अब हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे इसमें। ओके, तो बस इतना सा ही डिफरेंस था जो आपको मैं इसमें कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन फॉर्मेट हमारा फिर से वही रहेगा। तो बताइए, सबसे पहले हम किसको ऐड करेंगे? वंस डिजिट को। तो वंस ये है और वंस ये है, तो 5 + 1 को ऐड करेंगे। तो सबसे बड़ा ग्रेटर नंबर कौन सा है? 5। तो 5 को कहाँ रखेंगे? मन में। और जो स्मॉलर नंबर है उसे क्या करेंगे? उसका उसको हम फिंगर पे काउंट करेंगे। तो देखो, 1 काउंट कर लिया, 1। अब जो मन में रखा था 5 नंबर, उसके बाद काउंटिंग बोलो यहाँ पर, 5 के बाद 6 आ गया, 6। तो मतलब 5 और 1 प्लस कितना हुआ? 6। तो देखो, हमने यहाँ पे लिख लिया 6। अब 4 + 3 कितना होता है? इसके लिए भी हम वही करेंगे, जो ग्रेटर है उसको मन में रखेंगे। तो बताओ कौन सा ग्रेटर है इसमें? 4। तो 4 को मन में रखेंगे और स्मॉलर कौन है? 3। तो इसको हम फिंगर पे काउंट करेंगे, तो 1, 2, 3। ओके,
अब जो मन में रखा था फोन नंबर उसके बाद काउंटिंग बोलो, यहाँ से ही बैक करेंगे। फोर के बाद 5, 6, 7, तो कितना हुआ 4 + 3, 7, तो आंसर क्या निकला हमारा 76, है ना। इसी तरह से, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं आपको फिंगर्स पे सिखा रही हूँ तो आपको फिंगर्स पे ही करना है, ओके। कोई भी लाइंस नहीं करेगा, जो लोग लाइंस से करेंगे वो नहीं सीख पाएंगे। अब इसको करेंगे, अब इसमें क्या दिया है, बंस कौन सी डिजिट है, 4 या 5, 5, क्योंकि सबसे पहले हम इन दोनों को काउंट करेंगे बंस डिजिट को, ओके। तो बोलो 5 को मन में रखेंगे और 1 को फिंगर पे काउंट करेंगे, तो 1 इसे काउंट कर लिया। अब 5 के बाद काउंटिंग बोलो 6, तो 5 + 1 कितना हुआ 6 हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, ओके। अब इन दोनों में से मन में किसको रखेंगे, 4 को, और फिंगर पे किसको काउंट करेंगे 3 को, 1, 2, 3। अब जो मन में रखा था उसके बाद काउंटिंग बोलेंगे, यहाँ से ही पैक करेंगे, तो बोलो 5, 6, 7, तो 4 + 3 कितना हुआ 7, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, तो आंसर निकल कर आया हमारा 76। देखो फिर से 76 आ गया, है ना। अब चलो इसको करते हैं, ये क्या दिया हुआ है 6 और ये क्या दिया है 1, तो मन में किसको रखेंगे 6 को, और फिंगर पे किसे काउंट करेंगे 1 को, ओके। करो फिर 1 कर लिया काउंट, अब क्या करेंगे बोलो 6 के बाद काउंटिंग बोलेंगे, तो 6 के बाद बोलो फिर 7, तो 6 + 1 कितना हुआ 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों में किसको मन में रखेंगे बोलो, जो बड़ा है, तो कौन बड़ा है इन दोनों में 7, तो 7 ग्रेटर है, इसको रखो मन में। चलो रख लिया, आपने रख लिया, ओके। तो अब फिंगर पे किसको काउंट करेंगे 2 को, तो करो जल्दी से, मैं भी काउंट करती हूँ, 1, 2 कर लिया मैंने, ओके। अब क्या करेंगे बताओ, जो मन में रखा था उसके बाद काउंटिंग बोलेंगे, तो बोलो 8, 9, तो 7 + 2 कितना हुआ 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, क्या निकल कर आया आंसर 97। अब आपको ऐड करना आ गया, है ना। तो चलिए अब आप पेज नंबर 44 और पेज नंबर 45 को कंप्लीट करिए इसी तरह से, लेकिन मैं फिर से आपको बता रही हूँ कोई भी लाइन करके नहीं करेगा, ओके। हाँ, और फिर चेक करिए कि आपने करेक्ट किए हैं या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।